आज का हमारा टॉपिक होगा कि कॉस्टिंग कैसे करें किसी यूनिट्स गारमेंट का। तो उस कंप्लीट वीडियो को मैं दो सेगमेंट में बना रहा हूँ। पहले सबसे पहले जानेंगे कि नीट्स फैब्रिक का कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, क्योंकि कंजम्पशन निकालने के बाद जब फैब्रिक का एवरेज जब निकल जाता है उसके बाद तो आसान होता है उसमें क्या क्या ट्रिम्स और क्या क्या चीज़ उसमें लगती है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि एवरेज कैसे निकलता है, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है एक मर्चेंडाइजर के लिए नीट्स फैब्रिक का। तो नीट्स फैब्रिक का कंजम्पशन थोड़ा सा अलग होता है एज़ कम्पेयर टू वोवन फैब्रिक का एवरेज। तो वो जानते हैं कि कैसे, क्योंकि ये नीट्स फैब्रिक का एवरेज हमेशा किलो में जाता है और वोवन फैब्रिक का एवरेज हमेशा मीटर में जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों का, तो जानना बहुत ज़रूरी है किसी मर्चेंडाइजर के लिए क्या होता है। इसलिए कंप्लीट कॉस्टिंग को मैं दो वीडियो में बनाऊंगा। आज का हमारा टॉपिक हुआ कि नीट्स फैब्रिक का एवरेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज हमने कोई एक टी शर्ट लिया, बेसिक सा टी शर्ट है, वो उस टी शर्ट का एवरेज कैसे निकालते हैं। बेसिक टी शर्ट में होता है क्या है, एक लेंथ होता है, सपोज उसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसकी लेंथ ए है और ए की लंबाई है मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर, टी शर्ट की लंबाई 50 सेंटीमीटर। अब उसके बाद टी शर्ट की स्लीव लेंथ हो गया, टी शर्ट की स्लीव लेंथ हो गया 10 सेंटीमीटर, छोटा सा स्लीव दिख रहा है, शॉर्ट स्लीव। उसके बाद इसका चेस्ट हो गया, चेस्ट मान लो 40 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा अब इसी के बेस पे टोटल कैलकुलेशन होगा कि इसका एवरेज कैसे निकलता है। तो देखते हैं कैसे कैसे निकाला जाता है। इसके कुछ फॉर्मूला होते हैं वो आप देख लो, आसानी से क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले कैलकुलेट करते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। तो इसमें लेंथ, लेंथ में कौन कौन सा पार्ट आएगा, विड्थ में कौन कौन सा पार्ट आएगा वो हम चेक करते हैं। तो लेंथ में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए क्या है 50 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ गारमेंट लेंथ, तो गारमेंट लेंथ हो गया हमारा 50 सेंटीमीटर, ओके। अब दूसरा लेंथ क्या है, स्लीव लेंथ, स्लीव लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक। उसके उसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, 50 सेंटीमीटर प्लस स्लीव लेंथ हो गया 10 सेंटीमीटर। अब प्लस अलाउंसेस, क्योंकि फोल्ड वोल्ड जो होगा कहीं भी साथ, तो फोल्डिंग के लिए भी उसको वो चाहिए मार्जिन, वो भी अलाउंसेस हम अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर लेते हैं, अप्रॉक्स 5 से 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं, थोड़ा सा कॉस्टिंग के पर्पज से ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर हमने ले लिया, ये हमारा हो गया टोटल लेंथ। अब आते हैं विड्थ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अब टोटल आते हैं इसको विड्थ करते हैं, तो विड्थ क्या है चेस्ट, तो 40 सेंटीमीटर चेस्ट हो गया। अब चेस्ट में भी 10 सेंटीमीटर अलाउंस, 5 सेंटीमीटर अलाउंसेस ले लेते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होगा, अगला होगा इन दोनों का डबल होगा, क्योंकि ये जो हमने टोटल लेंथ लिया है वो हाफ फ्रंट का है, इतना बैक भी होगा, स्लीव भी एक स्लीव का लिया है, ये दूसरे स्लीव का होगा, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, ये टोटल लेंथ इंटू टोटल विड्थ इंटू 2, जस्ट डबल हो गया इसका, क्योंकि चेस्ट भी फ्रंट चेस्ट होगा तो बैक चेस्ट भी होगा, ठीक है। इंटू GSM, सपोज 160 GSM, 160 GSM, ये पार्ट डिवाइडेड बाई, ये इसको मीटर में ले जाते हैं इंटू 100, फिर ये इसको इंटू 100, अब इस GSM को KG में लेके जाते हैं क्योंकि KG में हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करके कितना होता है एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं, बेसिक रहेगा, तो ये है हमारा 50 प्लस 20 इंटू 45 इंटू 2 इंटू 160 डिवाइडेड बाय 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसको टोटल कर लेते हैं, टोटल कितना होगा इसका, ये टोटल हो जाएगा इसका
70 × 45 × 2 × 160 = 1008 divided by 2, ये हो जाता है 0.1008 ठीक है 0.1008 ये हो गया हमारा एक पीस का एवरेज। अब एक पीस का जो एवरेज है हमारा ये हुआ, तो ये कितना हुआ अप्रॉक्स 100 ग्राम, क्योंकि ये फिर आता था केजी में आ रहा था, अब ये ग्राम में है ठीक है। तो ये अप्रॉक्स 100 ग्राम 1008 ग्राम है एक गारमेंट का एवरेज। तो ये आपका मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई थोड़ा सा मैं उसको दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ जो आपके लिए क्लियर हो जाए और ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल लेंथ 50 हो गया टोटल लेंथ, 10 हो गया स्लीव लेंथ, उस पर 10 हमारा हो गया अलाउंसेस, ये हो गया GL गारमेंट लेंथ, ये हो गया SL इक्वल टू स्लीव लेंथ, ये हो गया अलाउंसेस ठीक है। 40 हो गया सी चेस्ट हो गया, 5 हो गया अलाउंसेस, 2 हो गया मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ये हो गया हमारा GSM ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया टोटल आपका, ये ऊपर आ गया क्लियर। तो ये हो गया फाइनल हमारा एवरेज किसी यूनिट्स गारमेंट के लिए। अब बहुत जगह होगा कि आप इसको डजन में ले जाओ तो इसको मल्टीप्लाई बाई 12 कर देना, वो आपका डजन में आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक है, क्लियर है आपको, मुझे लगता है आसानी से समझ में आ गया होगा। थोड़ा इसको नोट डाउन कर लो आप, तो आपके लिए हमेशा ये काम देगा, सिर्फ एक जगह नहीं हमेशा, जहाँ भी जाओगे आपसे पूछा जाएगा तो फॉर्मूला बना के फटाफट स्केच बना के देना, सर ये इस तरीके से निकालते हैं, तो वो समझ जाएंगे ठीक है निकालना जानता है ठीक है। तो आज का वीडियो में हमने नेट्स गारमेंट का कंजम्पशन जाना है, नेट्स गारमेंट का कंजम्पशन कैसे निकलेगा। चलिए ये आपको वीडियो इफेक्टिव लगा होगा, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और भी आपके जो पॉइंट होंगे आप बताइएगा, मैं उस पर और वीडियो बना दूँगा। थैंक यू।